वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ऐ कविता दशमेश पे राजी उत्ते मेरे माता जी जगजीत कौर ने लिखी है, जो मैं आप जी दे सन्मुख पेश कर रही हाँ। कविता बोलन तो पहला मैं कुछ लाइना पेश कर रही हाँ। आज खड़ी हाँ इस परे दरबार विच मैं, गुरु प्यारी संगत अते खड़ी गुरु दे प्यार विच मैं। वड्या साडे दस्या सानू गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु ने साडे, ऐवें ही नहीं मिल गई सिखी दुश्मन साडे बड़े सी डाडे। साडी ही उमरा दे रहे सी कदे साडे वीरे साहब जादे, पोरा डर नहीं सी अंदर ताई ओ शहीदियां पा गए। सानू जेकर एक कंडा भी चुभ जाए, सानू जेकर एक कंडा भी चुभ जाए, रो रो नीर बहा दिंदे आ असी अखवाना चांदे सिखी दे सोमे, झूठियां फुकरियां मार ही दिंदे आ। याद कर लईए जे किते दशम पिता दियां कुर्बानियां नू, पिता वार के पुत भी शहीदियां पा गए। कौन याद करू मां गुजरी दी कहानियां नू, कौन याद करू मां गुजरी दी कहानियां नू। ऐसे करके इस कविता राही थोड़े शब्दों में इतिहास बयान कर रही हाँ। संभाल के रखिए सिखी विरसे नू, ए अरदास कर रही हाँ, ए अरदास कर रही हाँ। मैं कविता आप जी के सामने पेश कर रही हाँ। खूब सी उसकी कलम ते खूब तर किरपान सी, जालमां दे वास्ते ओ मौत दा फरमान सी। हक सी ओ सच सी ओ दीन सी ईमान सी, रोशनी सी आप ओ आप जानी जान सी। जिथों भी ओ लंघिया उथे हनेरे ना रहे, सोच उत्ते कालियां लीकां दे घेरे ना रहे। उसके हम मजलूम लोको जुल्म सहना पाप है, जुल्म अगे गिड़ गिड़ा के कुछ भी कहना पाप है। आदमी दा बुझतिला दे वांग रहना पाप है, रेत दी दीवार वांगू बढ़ना टहना पाप है। जालमा दे सामने अपना सिर झुकाना ना कदी, जुल्म हुंदा वेख के ना चुप हो जाना ना कदी। ताइयों ता अमृत छका के खालसा कीता तैयार, वड्डी शक्ति बन गए बंदे ली पंजे ककार। जाता बाता खत्म करके देश दी बदली नुहार, उजड़े हिंद दे बाग अंदर आ गई फिर तो बहार। पीके अमृत खंडे दा कट दित्ती फाही, खालसे दे गुलामी दे गलों जंजीर लाई खालसे। दे हित कुर्बानी देना सी ओ दे किरदार विच, नहीं झुकाया सिर कदी उस राज सी दरबार विच। बच्चियां दे सीस दित्ते कौम नू उपहार विच, जंग दे मैदान विच सरहंद दी दीवार विच। चलिए शीश झुका लईए उस मां गुजरी दे लाल नू, ओ कलगी तरफदार नू, ओ जग दे तारनहार नू। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।